कटनी में भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक डूब गया, वहां से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर पानी में डूबे रेलवे ट्रैक पर आगे आगे रेल कर्मी चल रहे हैं और पीछे पीछे बहुत धीमी गति से ट्रेन आ रही है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रेल ट्रैक पर पानी भरने से कटनी और जबलपुर के बीच ट्रेनें धीमी रफ्तार में चलाई जा रही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हालात से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कटनी जिले में अतिवृष्टि से कई स्थानों पर जलभराव और बाढ़ के हालात बने हैं। मैंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात कर उनसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त की और गंभीर स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, होमगार्ड के जवान और पुलिस प्रशासन की टीम भी जुटी हुई है। हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उन्हें हर संभव मदद दी जाए। ये हालात हैं कटनी के। दरअसल न केवल अंडरब्रिज बल्कि रेलवे ट्रैक तक पानी में डूब चुके हैं। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, आगे आगे रेलवे कर्मचारी चल रहे हैं और पीछे पीछे ट्रेन आ रही है। ये चेक करते हुए चल रहे हैं ये जो आगे कर्मचारी हैं कि जो ट्रैक है वो यहीं पर है, इसी तरह से कहीं मिसिंग तो नहीं है ट्रैक या कहीं डैमेज तो नहीं हुआ है ट्रैक। और पीछे पीछे धीरे धीरे ट्रेन आ रही है, चूंकि दरअसल जमीन पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा है आखिर ट्रैक है कहां, तो फिर विकल्प भी नहीं है। और देखिए आप कैसे ट्रेन को रास्ता पार करा रहे हैं ये रेलकर्मी।